टाइमर सेट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है वाटर। जल, जल ही जीवन है, पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं है। आप आज की डेटा लीजिए, आज है 6 जुलाई। वाटर इज एवरीवेयर, पानी हर जगह है। कहाँ कर? इट फिल्स द रिवर, लेक, सी एंड ओशन। रिवर्स नहरें, लेक्स झीलें, सी समुद्र, ओशन सागर। सागर में, समुद्र में, लेक्स में, रिवर्स में, सब में पानी भरा हुआ है। इनफैक्ट अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लगभग धरती का 70% भाग पानी से कवर्ड, मतलब कहने का मतलब है धरती के 70% भाग पर पानी ही पानी है। दैट इज वाई द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटरी और ब्लू प्लैनेट। इस जिसके कारण धरती पर 70% भाग पर पानी होने के कारण इसको हम वाटरी, जलीय या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू मतलब नीला प्लैनेट, नीला प्लैनेट को कहते हैं। जब हम स्पेस से धरती को देखते हैं तो ये हमें ब्लू नजर आती है, किसके कारण? पानी के कारण, इसलिए इसको वाटरी और ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड, जो पानी है वो जमीन के नीचे भी होता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जमीन के नीचे जो पानी होता है। पीपल डिग वेल एंड यूज द हैंडपम्प टू गेट दिस वाटर। आपको पता है लोग गांव में, आपने कुएं देखे होंगे, आपने किसी के बच्चों के घरों में हैंडपम्प भी लगे होते हैं जिससे हम जमीन का पानी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कुएं और हैंडपम्प लगाकर हम जमीन के पानी को निकाल कर यूज कर सकते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक। वाटर इज प्रेजेंट, जितनी भी चीजें हम खाते हैं, यूज करते हैं, उनमें पानी होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ ऑल एनिमल्स, ये सभी एनिमल्स की शरीर में भी होता है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारा मानव शरीर है उसमें 70% भाग जो होता है पानी होता है। 70% ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर, 70% पार्ट पानी से बना होता है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अवर बॉडी कॉज डिहाइड्रेशन। यदि है तभी मैंने आपको जब पीछे पढ़ाया था तो आपको फूड वाले चैप्टर में बताया था कि हमें डेली 7-8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। यदि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन वी शुड टेक ORS, हमें ORS लेना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये आपको केमिस्ट की शॉप पे मिल जाता है और जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में ये आपको वहाँ फ्री मिलता है। ये जब जिसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, जब लूज मोशन लग जाते हैं, वोमिट लग जाती है, तो उस समय ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और सूप, अवर बॉडी नीड्स ए मिनिमम ऑफ 6 ग्लास, यहाँ भी आ गया देखिए, अवर बॉडी नीड्स ए मिनिमम ऑफ 6 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को कम से कम, ज़्यादा तो आप कितना भी पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। ये पिक्चर में आप मैं दिखा रही हूँ। टिक द फ्रूट्स विच आर जूसी, कौन कौन से फ्रूट? ऑरेंज जूसी है, वाटरमेलन जूसी है, जिसमें मतलब जिन्हें पानी है, आलमंड जूसी नहीं है, मैंगो जूसी है, कैस्टनट काजू जूसी नहीं होते, वॉलनट जूसी नहीं है, ग्रेप्स रस वाले होते हैं जूसी होते हैं, बनाना जूसी नहीं होता, पाइनएप्पल भी जूसी होता है। ये सब जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो ऑरेंज, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स और पाइनएप्पल, तो उनको टिक करना है। जिनमें बहुत, इट मीन्स दे कंटेनर लो, जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, ये देख रहे हैं आप, वी कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड बट फॉर ओनली 3 or 4 days विदाउट वाटर। हम भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन हम 3 or 4 दिन के से ज़्यादा हम पानी के बिना नहीं रह सकते। कहने का मतलब क्या है कि पानी की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिससे आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ORS का घोल लेना चाहिए। तो बच्चों आप घर पे पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू।